इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासीन मसूद। आज हम ज़िला रामपुर में हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कल एक डिबेट में एक प्राइवेट चैनल जो है न्यूज़ 18, उसके जो एंकर हैं उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं मीडिया एक तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। इससे पहले क्या हम बात कर लें मौलाना साहब की, तो इस प्रकरण में क्या मानना है? क्योंकि जब जब रामपुर ने से कोई भी ऐसी आवाज़ उठी है, रामपुर से हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठी है, तो आज हमारे साथ मौलाना निसार साहब हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि इस मामले में इनकी क्या राय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका निसार साहब। देखिए, अभी जनरल कमी न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया गया वो इंतहाई काबिल मजम्मत अल्फाज, और वो इतने गलत जुमले हैं कि जो मैं खुद भी अपनी जबान से नहीं दोहरा सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक वली कामिल और ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब के लोग बहुत बड़ी तादाद में मोहब्बत और प्यार करते हैं और दिल से उनकी कदर करते हैं। और हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत और इंसानियत नवाजी में भी एक मिसाल अपने आप में जाने जाते हैं। अगर नेशनल टीवी पर बैठा हुआ कोई एंकर ऐसी हस्ती के बारे में इस तरह के जुमले कहे और फिर वो चारों तरफ से जो मजम्मतें हों उसके बाद ये कहे कि मेरा मकसद ये नहीं था और ये नहीं था, तो शायद अब मुस्लिम कौम इतनी गफलत में नहीं है, बहुत बड़ी बेदारी आ चुकी है और अभी माफ़ी और इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। हमने आज अपने यहाँ इस बात को कहा है और पूरे मुल्क में चारों तरफ से ये बात आ रही है कि ये माफ़ी नाकाबिल कबूल है। इस शख्स की तरफ से अगर ये हरकत पहली मरतबा की गई होती और इस तरह का एक फिरका परस्त जो एक ज़हनियत है उसका ज़ुहूर पहली मरतबा होता है, तो हम समझते कि शायद इसमें किसी तरह की कोई साजिश नहीं होती। हमारा ये कहना है कि ये चीज़ बड़ी सोच समझकर जानबूझकर कही गई है ऐसे वक्त में कि जब हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बन के आ रहा था जो गंगा जमुनी तहजीब की सही तस्वीर, जो रोडों पर देखा गया प्यार मोहब्बत इंसानियत खिदमत और एक दूसरे के करीब आना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बहुत ज़्यादा हद तक राग हमवार हो जाना, अब ये फ़िरका परस्त अनासिर और फ़िरका परस्त ज़हनियत को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? उन्होंने कई दिहाइयों से फ़िरका परस्ती की जड़ों में जहर डाला है और इस मुल्क की फ़ज़ा को बर्बाद करने की हर कोशिश की है, लेकिन जहाँ तक जब तक जैसे हमसे हो सकेगा हम इस मुल्क में मोहब्बत की जिस तरह भी कोशिश होगी करते रहेंगे और इस तरह की बात करने वालों को इस मुल्क में इस मनसब पर किसी कीमत भी कबूल नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में मीडिया ये चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ा पिलर है, और मेरा मानना यह है कि मीडिया इस माने पर बहुत इम्पोर्टेंट और अहम है कि ये पूरे मुल्क की जहन को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये निगेटिव माइंडसेट भी बना सकता है और पॉजिटिव भी बना सकता है। अगर मुल्क को इस तरह गिरती हुई जहनीत के साथ जीना पड़ेगा तो अंदाज़ा लगाइए मुल्क का माइंडसेट कहाँ जाएगा और जहनीत कहाँ जाएगा। क्या ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं? ये मुल्क की फ़ज़ा को इस कदर बर्बाद करना चाहते हैं? हम ने जो मंजर देखा है हम यकीन करते हैं कि इस तरह इंशाल्लाह मुल्क की फ़ज़ा बर्बाद नहीं होगी और ना ही गंगा जमुनी तहजीब और प्यार और मोहब्बत का ये मामला ख़त्म होगा। अलबत्ता ऐसे लोग ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। हमने हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि चूँकि ये मसला सिर्फ इंडियन लेवल का नहीं, ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इससे मुल्क की छवि बहुत ख़राब होगी अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ अमीश देवगन को ही नहीं, अमीश देवगन को अब तक मोहलत देने वाले और ये प्लेटफॉर्म प्रारंभ करने वाले न्यूज़ 18 के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहिए और अमीश देवगन को फौरन जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई कानूनी दफात सबसे सख्त हो सकती है वो लगाना चाहिए, इस पर किसी तरह नरमी नहीं बरतना चाहिए। अगर हुकूमत इस पर खामोश रहती है तो जैसा कि अब तक कहते चले आ रहे हैं बहुत सारे लोग, फिर शायद ये मुल्क कहेगा कि इस मुल्क के प्यार और मोहब्बत के ताने बाने को बर्बाद करने में हुकूमत का भी कोई हिस्सा।
आपको क्या लगता है कि क्या किसी तरह का ये प्रोपेगेंडा भी है? इससे पहले जब कोरोना आया था तो सबका दिमाग जो था वो चाइना की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। अब जब खबर ये आ रही है कि चाइना में कुछ हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं, तो क्या फिर इस तरह की बात को कहा जाना कहते हैं ये लोग, या इनको ये भी आरोप लगते हैं कि जो इनका आला कमान है उसको जो मैसेजेस हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये वाकई गलती है या किसी के इशारों पर कहा गया है या मीडिया जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है? देखिए ये बात तो बड़ी साफ है कि मीडिया के कुछ चैनल सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि जब भी कोई अहम मौका होता है तो वो माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और उन्हें मालूम है कि कब कौन सा शोशा छोड़ना है, कभी मरकज पर छोड़ना है, कभी मदरसों पर छोड़ना है, कभी उलमा पर उन्हें बात करनी है, अब खानकाहों की तरफ बात करनी है, आने वाले वक्त में फिरकों पर बात करनी है, ये फिरका बेटर है, ये फिरका बेटर नहीं है, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं। ये सच्ची बात यह है कि कुछ मीडिया चैनल्स ने ये कसम खा ली है कि हमें पब्लिक को सही बात नहीं बतानी है बल्कि माइंड डाइवर्ट करनी है। आपने जो एक बात कही, देखिए हिंदुस्तान पर ऐसा लगता है जैसे पड़ोसी ममालिक की बड़ी गलत निगाह है और हुकूमत शायद बहुत गफलत से काम ले रही है। ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क की बका के लिए और हिफाजत के लिए और तरक्की के लिए आपने दम तक लड़ेंगे और जो बन सकेगा करेंगे। हमारे बुजुर्गों का खून इसकी बुनियादों में शामिल है, जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनके अहले खाना के गम में भी हम शरीक हैं और उनकी कुर्बानी को ये देश और ये मुल्क याद रखेगा। लेकिन ऐसे वक्त में इस तरह के शोशे छोड़ना कहीं ना कहीं शक की सुई घुमाता है, और मुझे यकीन है कि ये जो चंद मीडिया चैनल से इनका काम ही है। गोदी मीडिया की जो चैनल से इन्हें गोदी मीडिया भी कहा जाता है, और एक सवाल ये भी मेरा था कि सिर्फ मुसलमानों को माइनॉरिटीज और भी हैं इस देश में, लेकिन सिर्फ हमेशा हर बार ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है? असल में सबसे कमजोर गर्दन मुसलमान की, इस्लामोफोबिया का जो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया है और इनको लगता है कि मुस्लिम दुश्मनी का ख्वाब दिखा करके हमें यहाँ की मेजोरिटी को अपने साथ रखना है, ये बहुत बड़ी भूल है। दर हकीकत ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है कि किसी कम्युनिटी विशेष या मजहब खास मजहब के खिलाफ लोगों को कुछ ख्वाब दिखा करके अपने साथ किया जाए और उनका तआवुन हासिल कर लिया। ये एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, और जब आंखें खुलती हैं जैसा कि अभी लॉकडाउन में रोडों पर चलते हुए मजदूरों की खुली और उन्होंने देखा, मैंने तो कहा था कि लोगों ने अब कपड़ों से पहचाना कि कौन है इंसानियत के हमदर्द और इंसानियत के हमनवा और कौन है इंसानियत से प्यार करने वाले, जो सुबह 4 बजे सहरी खाकर खाना खा के शाम को इफ्तार करते हैं और चिलचिलाती धूप में रोडों पर पानी और खाना और मुसाफिरों की मदद कर रहे होते हैं और मुसाफिरों के बयानात भी आए। तो ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है जो आपकी। तो दो लफ्जों में संक्षेप में आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या चाहते हैं आप, क्योंकि एफ आई आर हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी एफ आई आर हुई है जैसे अभी खबर मिली है, कांग्रेस से किसी लीडर ने एफ आई आर की है, और मांग ये भी उठ रही है कि जल्द से जल्द इन्हें सलाखों के पीछे करा जाए, आपने भी अभी अपने बात में ये रखा, तो क्या चाहते हैं कि क्या सिर्फ एक अमीश देवगन या जो रिपब्लिक टीवी के एंकर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं उनको सलाखों के पीछे करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बात बनेगी, या एक बड़ा कदम हुकूमत हिंद को उठाना चाहिए इन पर नकेल कसने के लिए? देखिए फिलहाल तो जो सामने चीज़ है, अगर हुकूमत इस पर एक्शन लेती है कहीं ना कहीं यह एग्जाम्पल बनेगा दूसरों के लिए और हुकूमत की भी एक छवि निकल के आई। औरों के लिए तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो सामने से जो मुजरिम है उसने बहुत घिनौना काम किया है और यकीनन इतना घिनौना काम किया है कि जितनी मजम्मत की जाए कम है और सारी इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, ये एक एग्जांपल होगा। और जो इस तरह के दीगर लोग हैं जिनको आप इशारा कर रहे हैं, मैं जानता भी हूँ उस तरह के लोग हैं, उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, और अगर नहीं सीखेंगे तो हम और पूरे मुल्क की कौम फिर इस तरह खड़ी होगी बिला ये देखे कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, ये फिर मुल्क खड़ा होगा उनके खिलाफ, और फिर आखिरी बंदा जो इस तरह नफरत को फैलाना चाहेगा उसके खिलाफ मुहिम ये मुल्क चलाएगा। जैसे कि मौलाना साहब ने भी कहा, हम भी जानते हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको जब जब नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है तो हर मजहब हर फुरके
कि लोग सामने आए हैं और इस बार भी उम्मीद ये है कि इस बार भी सब लोग इस जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, जो इस तरह की बातें हो रही हैं, उसका सामना करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कबूल फरमाए आपकी मेहनत।